एक बिहारी अभिनेता ऐसा भी है जिसको आप नहीं जानते, ज्यादातर भारतीय नहीं जानते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी एक्टर बनना, लेकिन बॉलीवुड ने इनको ठुकरा दिया। इसके बावजूद इन्होंने हौसला नहीं हारा। इसी का नतीजा है कि अब जल्द ही वह विदेशी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। यह है बिहार के मोतिहारी में पैदा हुए एक्टर प्रभाकर शरण। आइए जानते हैं कैसे किया इन्होंने ये कमाल। पटना में पैदा हुए प्रभाकर जल्द ही लातिन अमेरिका की बेहतरीन फिल्म में लीड रोल प्ले करते नजर आने वाले हैं। इनके बारे में जानने तो मालूम पड़ता है कि पटना में ये पैदा जरूर हुए, लेकिन इनकी पढ़ाई हरियाणा से हुई। एक्टिंग फील्ड में आना इनका बचपन का सपना था, लेकिन बॉलीवुड ने इनके उस सपने को चकनाचूर कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह चल पड़े विदेशी फिल्मों की ओर। अब वह एक लातिन अमेरिकी फिल्म इंटेगल द कन्फ्यूजन में मुख्य कलाकार की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस बारे में खुद प्रभाकर ने बताया कि इनकी फिल्म का नाम है इंटेगल द कन्फ्यूजन, स्पेनिश में इसका नाम है इनरेदादोस ला कन्फ्यूजन। प्रभाकर कहते हैं कि हिंदी में इसका मतलब है प्यार और घनचक्कर। वैसे अभी हिंदी में इसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ है। फिल्म की कहानी के बारे में उन्होंने बताया कि ये दो युवा की कहानी है, वो युवा जो अपनी गलतियों की वजह से अजीब सी मुश्किल में गिर जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में उनका नाम लियो है। इसके आगे उन्होंने बताया कि कोस्टारिका और इस इलाके में कभी भी एक्शन फिल्म नहीं बनी थी। शुरू से वह बॉलीवुड में कुछ करना चाहते थे। मुंबई में उन्होंने कुछ कोशिश की थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो मनोज वाजपेयी के पिता की पैरवी वाली चिट्ठी का भी सहारा लिया। उसको लेकर वह मुंबई आए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ से थककर 1997 में वह कोस्टारिका पहुँचे। यहाँ उन्होंने पढ़ाई भी की और कारोबार में महारत हासिल की।